नमस्कार, फिर से आपका स्वागत करती हूं समाचार एक्सप्रेस में। अवैध प्लांटिंग का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि जिला प्रशासन ने अवैध कारोबार की दूसरी सूची तैयार कर ली है। बताया गया है कि इस लिस्ट में तकरीबन 150 के करीब भूखंडों को शामिल किया गया है, जिन्होंने जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कर बेचा है। आने वाले 2 दिनों के भीतर इस भूखंडों का खसरा नंबर जारी कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पहले लिस्ट आने के बाद अधिकारियों को खबर मिली कि राजनांदगांव तहसील में कई ऐसे भूखंड हैं जिनमें अवैध प्लांटिंग की गई है, लेकिन उनको पटवारियों ने पहले सूची में शामिल ही नहीं किया। इस कारण प्रशासनिक अधिकारियों ने पटवारियों को आदेश देकर तहसील के सभी अवैध प्लांटिंग वाले भूखंडों की रिपोर्ट बनाने कहा। बताया गया कि सभी पटवारियों ने अपनी रिपोर्ट राजनांदगांव तहसील में जमा कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि पटवारियों से अवैध प्लांटिंग से संबंधित पूरी रिपोर्ट ले ली गई है। इसके अलावा उनसे एक प्रमाण पत्र भी लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी तर्क रखी है कि उनके क्षेत्र में जितने भी अवैध प्लांटिंग के मामले थे, सभी को रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है। कोई अतिरिक्त जानकारी मिलेगी जो उसे इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा, मतलब इसमें लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी। यह भी तय माना जा रहा है कि जिला प्रशासन ने पूर्व में जो पहली सूची जारी की थी, उसमें 173 खसरों को शामिल किया था और उनकी रजिस्ट्री पर भी बैन लगा दिया गया था। अब इन खसरों पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। बताया गया है कि पहले इनकी नियमितीकरण और डायवर्जन का आदेश दिया जाएगा, इसके बाद जमीन के खरीदारों से विकास शुल्क लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं जिस जमीन का पंजीयन नहीं हुआ है, उसे रात साथ करने का काम किया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।